हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम और आज लाइव हिंदुस्तान पे हमारे साथ हैं वो जो न सिर्फ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत सुंदर भी दिखने में, और अभी ये इत्तेफाक की बात है कि उनकी एक मूवी आई है और ये भी एक इत्तेफाक है कि मैं आज उनसे मिली हूँ। तो सोनाक्षी सिन्हा, हमारी रियल रियल सोना, असली सोना, असली सोना। तो सोनाक्षी, लाइव हिंदुस्तान पे आपका स्वागत है। सस्पेंस क्या है? आपको कितने लोगों ने पूछा कि सोनाक्षी प्लीज बता दीजिए सस्पेंस क्या है? बहुत लोगों ने, स्पेशली योर फैमिली और फ्रेंड्स में से तो सब पूछते ही जा रहे थे जब तक रिलीज के दिन, जब तक उन्होंने फिल्म नहीं देखा और मैंने किसी को नहीं बताया। एंड इस बात की खुशी है कि हमारा जो नो स्पॉइलर कैंपेन था वो काम कर गया, क्योंकि यू नो मुझे इतने ट्वीट्स मिले हैं, इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस मिले हैं, बट एक इंसान ने नहीं स्पॉइलर दिया है, तो मैं उससे बहुत खुश हूँ। आई होप कि ये कंटिन्यू चले जब तक फिल्म थिएटर में है। एंड बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है फिल्म, उन्हें बहुत मजा आया है, कहा है कि इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म। तो उम्मीद है कि बस वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हो और हमारी फिल्म बहुत अच्छा करे। कहते हैं सोनाक्षी बहुत चुलबुली है, तो सोनाक्षी के पेट में ये बात पच कैसे रही है? वो रह गई, क्योंकि जब लोगों को सताने का मौका आता तो मैंने कभी नहीं छोड़ती। उनकी यू नो क्या बोलते हैं, उनकी बेकरारी देखकर मुझे मजा आ रहा था। तो आई थिंक ये इस बात, इस फिल्म की सबसे खास बात है कि ये आपको एकदम अपने यू नो सीट के एज पर रखता है, कीप्स यू गेसिंग राइट टिल द एंड। एंड जो क्यूरियोसिटी बनी थी ट्रेलर के रिलीज के साथ, वो अब तक फिल्म के रिलीज तक बरकरार रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो आपने सोशल मीडिया की बात की, तो आपकी लाइफ का अगर हम बोले तो सबसे बड़ा इत्तेफाक क्या हुआ है आपके साथ? सबसे बड़ा इत्तेफाक तो ये हुआ है कि मैं एक्ट्रेस बन गई। मेरा बिल्कुल इंक्लिनेशन नहीं था, मैं चाहती नहीं थी, मुझे और चीजें करनी थी, बट इत्तेफाक से मैं एक्ट्रेस बन गई और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट इत्तेफाक रहा है। तो और सबसे खराब इत्तेफाक जो आपके साथ हुआ, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया और वो हो गया? ऐसे तो कुछ याद नहीं आ रहा, बट खराब इत्तेफाक नहीं, स्कूल में, उसके बाहर या फिर अभी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा। जो हुआ है अच्छा हुआ है मेरे साथ, थैंक यू। और सेट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस, पहली बार हम फिल्म में काम करते थे, मैं सबको मिल चुकी हूँ कई बार सोशली, बट पहली बार हमने काम किया है। एंड ये इनफैक्ट ये पूरे अक्षय के साथ भी पहली बार काम किया है। ये फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि एक बहुत ही कंट्रोल्ड सेट था, एक घर का सेट था और एक पुलिस स्टेशन का सेट था, तो ज़्यादा यू नो लोकेशंस नहीं थे, ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, गाने नहीं हैं फिल्म में, तो एक बहुत ही अलग एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था इस फिल्म पर। एंड यू नो पूरी यूनिट एक साथ लंच खाती थी, वी ऑल लाइक वन फैमिली, बहुत हंसी मजाक होती थी, ऑल्दो कि एक बहुत सीरियस फिल्म है, बिहाइंड द सीन्स बहुत हंसी मजाक हुई है। एंड जब ऐसा होता है तो आई थिंक एक्सपीरियंस। अपने बारे में कभी कुछ पढ़ के आपको कभी गुस्सा आता है या फिर लगता है कि अब आदत हो गई है? आप तो आदत सी हो गई है, एंड पहले आता था जब नया नया था कि यू नो सोचती थी कि लोग क्यों ऐसा रूमर्स जब आते हैं, हाँ लोग क्यों ऐसा लिख रहे हैं, मैंने क्या किया किसी को भी जो मेरे बारे में अनाचना लिख रहे हैं, बट अभी आदत सी हो गई है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक्चुअली क्या होता है नॉर्मली लाइफ में, जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हम फ्रेंड्स पूछते हैं क्या ये सच में कुछ चल रहा है, तो आपसे कुछ होता है कि आपके फ्रेंड्स क्या सच में इसके साथ कुछ चल रहा है? मेरे फ्रेंड्स बहुत ही गॉसिप मंगर है, एंड कुछ भी पढ़ते हैं ना, सिर्फ मेरे बारे में, दूसरों के बारे में भी आके वो सोचते हैं कि मेरे पास तो खबर होगी तो वो मेरे से कंफर्म करें, बट मेरे पास कोई खबर नहीं रहती। आधी तो चीजें जो लिखी होती है वो मेड अप होती है, तो बस आई थिंक मेरे फ्रेंड्स को बहुत इंटरेस्ट रहता है ये सब चीजों। तो खुद सोनाक्षी को गॉसिप कितनी पसंद है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे मतलब खुद की लाइफ संभालने में इतना वो होता है कि मैं क्या किसी और की लाइफ में अपना टांग अड़ाऊं, मुझे गॉसिप की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच सोनाक्षी, ऑल द बेस्ट। अभी आप